नमस्कार, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स क्या बोले कोरोना वायरस के बारे में। कोविड-19 टीका पहले उन्हें मिले जिन्हें जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही में कोविड-19 दवाओं और बाद में उत्पादित टीके को उन देशों और लोगों को उपलब्ध करवाने का आह्वान किया जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों को पहले नहीं मिलना चाहिए जो पैसे के बल पर खरीद लें। बिल गेट्स ने अंतर्राष्ट्रीय एड्स रोग संघ द्वारा आयोजित कोविड-19 से संबंधित एक ऑनलाइन सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमने दवाओं और टीकों की सबसे अधिक आवश्यकता वालों को दिए बिना सबसे ज्यादा पैसे वालों को दे दिया तो महामारी और लंबे समय तक जारी होगी और साथ ही साथ ज्यादा अन्याय और घातक होगा। बिल गेट्स ने कहा, हमारे नेताओं और इक्विटी के आधार पर वितरण के बारे में यह कठोर निर्णय लेने की जरूरत है, न कि बाजार कारकों पर निर्भर रहना। जानकारी के मुताबिक कोविड-19 महामारी के खिलाफ कई 100 से अधिक टीकों की अनुसंधान परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है और विभिन्न यूरोपीय देशों की सरकार और अमेरिकी सरकार ने अनुसंधान परीक्षण और उत्पादन के क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इस बात की चिंता है कि अमीर देश कोविड-19 दवाओं को ज्यादा खरीदेंगे जिससे विकासशील देश खाली हाथ चले जाएंगे। कोविड-19 महामारी रोधी दवाएं जान बचाने और आर्थिक उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वजह से यूरोपीय आयोग और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संबंधित दवाओं की शातिर प्रतियोगिता को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने कुछ अधिकारियों का कहना है कि वे अमेरिका फर्स्ट वाले सिद्धांत पर डटे रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।